कहीं कहा, अगर मैं तुम्हें ढूंढना भी चाहूँ तो कैसे ढूंढूं? एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि परसों पहले जैसे तुम बीना को लेकर चली गई थी, कहीं इस बार भी तुम कहीं मेरे बच्चे को फिर से लेकर भाग लो। नहीं मिस्टर विराट चव्हाण, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे। एक, अपनी बीवी का साथ देने का। दूसरा ऑप्शन दिया था कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का साथ दें। चुनना आपको था और आपने चुन लिया। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, उसका साथ दिया। ना चाहते हुए भी मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा। मुझे भागने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, क्योंकि मुझ में हालातों का सामना करने की हिम्मत है। कमजोरों की निशानी होती है बातें छुपाना, जैसे आपने छुपाई थी। ना मैं तब भागी थी और ना आज भागने जा रही थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा था। वो बेटा जिसके लिए दुनिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे मार दिया। आपके काकू ने मेरे घर के सामने आकर ये कहा कि मैं अपने बेटे की कातिल, और आप सबको जानते देख के भी चुप रहे। क्या आपको नहीं लगा कि मुझे मेरे बेटे के बारे में जानने का हक है? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। इस मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा एक मिनट, अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या करती? अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या तुम सच को बाहर आने देती और बाकी से उसका बच्चा छीनने देती? बोलो सही, होने देती ऐसा? कैसे आती हैं आप? ना तो आपके पास मेरा बच्चा था, मैं एक माँ हूँ, और आप अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं एक पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ, मैं चोरी से खाली उतर आई थी। एक पुलिस वाले की बेटी एक अनाथ आश्रम में चोरी छुपे घुस गई थी, और आपको मुझे मेरे बेटे का सच बताना जरूरी नहीं लगा? आपको अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति के बारे में सोचना जरूरी लगा? अच्छा कुछ ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? हर चीज को ऐसे देखते हो ना, आप सबके बारे में सोचते हो सिवाय मेरे, है ना? आप ना दुनिया को सिर्फ अपने चश्मे के नजरिए से देखते हो। आपकी फर्ज अदायगी के चक्कर में लोगों के दिल टूटते हैं, इतनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, आपको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ विराट, आपके इस फर्ज की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, कभी था ही नहीं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन मिस्टर विराट चव्हाण, मैं आपकी सोच की मोहताज नहीं हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, विनायक मेरा बेटा है, मेरा। हाँ सही। और ये बात आपके परिवार को, खास तौर पे आपकी पत्नी को पता होनी चाहिए। नहीं 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 सही, प्लीज नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें नहीं पता और क्या होगा। और क्या हो जाएगा? इतने सालों से मैं अपने बेटे के लिए तड़पी हूँ, बहुत कुछ सहा है मैंने, और कुछ होएगा ना तो देखा जाएगा। आप एक बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं रख सकते। सही सही, रुको प्लीज, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर आपको मुझे रोकना है ना, तो उसके दो ही तरीके हैं। या तो जाइए अपनी पूरी पुलिस फोर्स को बुला लीजिए, या फिर मुझे मार दीजिए, क्योंकि मैं मरने को तैयार हूं लेकिन रुकने को नहीं। आइए, आपने क्या कर दिया? मीनू दादा ने कितनी मेहनत से क्ले का हाउस बनाया था, आपने तो चोरी दिया। नहीं वीनू बड़ा, I'm very sorry. वो एक्चुअली मैंने आपको देखा ही नहीं, गलती से हो गया, पर हम ठीक कर लेंगे इसे, प्रॉमिस। डॉक्टर आंटी, आपको पता है ये घर मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था, और मैं आपको ही दिखाने को ला रहा था, लेकिन आपने तो मेरा घर ही तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ, मैं इस घर को दोबारा छोड़ दूंगी। हाँ, लेकिन अब तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे ना। किस तरह की माँ हो तुम? मस्त मस्त, ये भी कैसा अजीब सवाल तुझसे पूछ रही है पत्रलेखा। ये और माँ, माँ होने के लायक भी है ये? तुझसे उम्मीद भी कैसे कर सकती है कि ये कोई जिम्मेदारी का काम करेगी? ये बच्चों के मामले में
कोई सावधानी बरतेगी। मेरे पति को गले लगाकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या, जो अब तुम मेरे बेटे पर भी नजर डालने लगी हो? लेकिन अब मैं तुम्हारी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सही, प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। बात को ऐसे ही खींचने का कोई मतलब नहीं है ना, खत्म हो गई बात। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। मेरा बच्चा गायब है और ये सोचकर मुझ पे क्या बीतेगी, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? ये औरत मुझसे बिना पूछे, बिना किसी को भी बताए मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? सीरियसली, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। विराट जवान, तुम्हारे पास 72 घंटे हैं, जिसमें जाके तुम अपने परिवार को और अपनी बीवी मिसेस जवान को ये बताओगी कि जिस वीन को आप लोग अपना बेटा बताते हो, वो मेरा बेटा है, तुम्हारा और मिसेस जवान का नहीं। और मुझे मेरे वीनू को मेरे साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। विराट, पत्र लिखा और वीनू को कुछ पता नहीं चल रहा।